हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और ये अभी तक का हाईएस्ट फ्लो आया है हमारा, एंड इट हैज़ आल्सो ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। प्लस अब जो इंडिया का जो नेक्स्ट इंटरनेशनल रैंकिंग आएगी वो भी काफ़ी हायर आएगी। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दैट वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैसे इंडिया की रैंक इतनी ज़्यादा आई है, एंड वॉट आर द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू सी। तो बेसिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, उसकी जो अभी इस बार जो इम्प्रूवमेंट हुई है, सो वी हैव सीन देर हैज़ बीन अ 10% ग्रोथ। ठीक है, तो 10% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कंट्री का वो बढ़ गया है। ठीक है, एंड देर हैज़ बीन अ 10% ग्रोथ इन दी 2021 टू टच अ रिकॉर्ड FDI ऑफ $81.72 बिलियन। तो अब हमारा जो पिछले साल का रिकॉर्ड FDI है वो कितना है, $81.72 बिलियन। सो दैट इज़ टू मच, अ बिग अमाउंट। सर्टेन कंट्रीज़ की GDP 40-45 बिलियन डॉलर्स है अफ्रीका में। विद दी FDI इक्विटी इनफ्लोज राइजिंग 19%, ऑलमोस्ट $60 बिलियन। ठीक है, तो जो FDI इन इक्विटी है वो 19% राइज की है, एंड दैट इज $60 बिलियन। इक्विटी मतलब कोई चीज़ में इन्वेस्ट करना एज अ शेयर, कहीं पे कोई कंपनी है, सो यू बाय शेयर्स इन दैट कंपनी, सो यू डू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट वेन यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी एंड बाय, उसमें एक हिस्सेदारी आप ले लेते हो, देन यू आर डूइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो द इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैज रिजन बाय 19%, और अब वो राइज होकर 60 बिलियन डॉलर्स हो गया है, एंड द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 81.72 बिलियन डॉलर्स, दैट इज अ 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, दैट मीन्स 10% से पिछले बार से ज्यादा आया है। ठीक है, नाउ दिस इज द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सो ये बेसिकली आपका जो अनकटैड है, दैट इज अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अनकटैड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। और आप इसमें ये देखो, नोटिस करो कि जो हमारा 2015 था, तब देन वी हैड द पीक ऑफ आर FDI। ठीक है, टोटल FDI वर्ल्ड में जो एक्सफ्लो हो रहा था, इनफ्लो हो रहा था, वो $2 ट्रिलियन का था। बट ओवर द ईयर्स वी सी अ डिक्लाइन इन FDI, और फाइनली 2019 में जस्ट बिफोर द पेंडेमिक वी सी इट टू रीच अ लेवल ऑफ $1.5 ट्रिलियन। ठीक है, और इसने प्रोजेक्ट किया है कि ओवर द ईयर्स, दैट इज अप टू 2022, वी विल सी अ डिक्लाइन इन FDI, और फिर ये FDI राइज होगा, बट इट विल टेक 2030 टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू, जो हमारा पीक वैल्यू था। ठीक है, सो दिस इज द प्रेडिक्शन डन बाय अनकटैड इन इट्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, दिस इज द ग्लोबल फ्लो ऑफ FDI फ्रॉम 2015-19 टू 2022। ठीक है, ये मैप ग्राफ समझ में आया, तो आप इसको मेंस के एग्जाम में यूज कर सकते हो। अगर FDI पे कोई क्वेश्चन आता है कि हमारा जो पीक FDI था वो 2020 में था, 2015 में था, 2015 में, एंड देन इट वेंट डाउन जस्ट बिफोर द पेंडेमिक इन 2019, इट वॉज 1.5, एंड देन इट विल गो डाउन, एंड देन अगेन इट विल रीच टू इट्स अपर लेवल। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री हैज डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड, तो उसमें ये ग्राफ जरूर यूज करना। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन द पेंडेमिक ऑन FDI। ठीक है, तो बेसिक इम्पैक्ट क्या है जो हमारे FDI पे होगा, तो इमीडिएट इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। द मेन इम्पैक्ट्स ऑन FDI आर स्लो डाउन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ड्यू टू क्लोजर ऑफ साइट, बट ऑल्सो स्लो डाउन इन क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनमें स्लो डाउन, एंड ऑल्सो क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स में स्लो डाउन। ऑटोमेटिक इफेक्ट ऑन री इन्वेस्टमेंट अर्निंग अ की कॉम्पोनेंट ऑफ FDI। देखो, FDI में क्या होता है ना, बेसिकली जैसे कि आपने ₹50 इन्वेस्ट किए, ₹2 कमाए, फिर आप ₹2 इन्वेस्ट कर दोगे, फिर आप अगले बार 40-54 रुपीज कमाए, फिर ₹4 इन्वेस्ट कर दोगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, जिसपे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, रिडक्शन इन क्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है, जो भी क्रॉस बॉर्डर होता है उसमें रिडक्शन है, एंड शेल्फिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, ड्रॉप इन न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, नए इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं लेना चाह रहा है, देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एंड डिसइन्वेस्टमेंट, रीशोरिंग एंड डाइवर्जन, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसे भी खत्म करना, रीशोरिंग मतलब जहां इन्वेस्ट कर रहे थे उसको हटा के सेफर डेस्टिनेशन पर इन्वेस्ट करना, और डाइवर्जन, अगेन नॉट इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीटली बट डाइवर्टिंग इन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ताकि जो भी लॉसेज हो उनको देखा जा सके। सो FDI स्टक इन द लॉकडाउन विद टाइटनिंग मार्जिन फॉर री इन्वेस्टमेंट हिंडर्ड बाई न्यू इन्वेस्टमेंट रिडक्शन। ठीक है, फिर नेविगेटिंग सेवरल ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशंस। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इम्पैक्ट बता रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन द FDI। ठीक है, फिर भी इंडिया का इतना रिकॉर्ड FDI होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी द होस्ट ऑफ इकोनॉमीज दैट इन्वेस्ट इन इंडिया।
ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है जिन इकोनॉमीज में, तो द फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इफ़ यू गो बाय द रैंकिंग, ये जो नीचे वाला लाइटर लाइन है इज़ द 2018 रैंकिंग एंड डार्कर लाइन इज 2019 रैंकिंग। तो यू कैन सी दैट यूएस और चाइना में नियरली डबल का डिफरेंस है, बिकॉज यूएस इज़ द सेफेस्ट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो, यूएस में इन्वेस्टमेंट थोड़े से कम हुए हैं फ्रॉम 2018 टू 2019। चाइना देर हैज़ बीन अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज चाइना पेंडेमिक से पहले बाहर आ गया था। सिंगापुर भी सी देर इज इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसने पेंडेमिक में अच्छा परफॉर्म किया। नीदरलैंड वॉज नॉट परफॉर्मिंग गुड इन पेंडेमिक, सो इसके कम हो गए। ठीक है, सो सिमिलरली आयरलैंड, आयरलैंड में कम थे, इनफैक्ट ज़्यादा हो गया बिकॉज आयरलैंड इज अगेन अ सेफ डेस्टिनेशन। देन अगेन वी सी ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में ऐसा हुआ कि इवन दो इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग गुड, बट इसका रिकवरी आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया 12th पोजिशन पे है, सो इफ़ यू काउंट द नंबर्स इंडिया कम्स एट द 12th पोजिशन। और उस बार 2019 में 51 था, उससे पहले 42 था और अब 80 हो गया। ठीक है, सो दिस इज 1 ईयर पहले का फिगर है, तो ऐसा मत समझना कि 51 से 80 हुआ, 51 से शायद 70 समथिंग हुआ था एंड देन वी हैव अ 10% इंक्रीज, तो ये बढ़ के 80 हुआ। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि उस टाइम इंडिया वॉज द 12th लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है, 12th लार्जेस्ट था उस टाइम एंड देन अगेन रैंक्स चेंज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। नाउ FDI इनफ्लो इन टॉप 20 इकोनॉमीज, तो यहाँ पे ये मैंने फिर से यही इमेज यूज़ किया है इंडिया की पोजीशन दिखाने के लिए, दैट देर आर कंट्रीज दैट हैव अबव इन्वेस्टेड गॉट अबव। और इंडिया का 12th रैंक था एज द लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टेड कंट्री। उसके बाद पिछले साल ये रैंक 10th पे आया था, ये 19 का रैंक है। ठीक है, 2018 का रैंक है, 2019 में मतलब अगर आप पूरा 19 का साइकिल देखो तो ये 10th पे आया था एंड अगेन नाउ दिस ईयर वी आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ नियरली 81 बिलियन डॉलर्स। तो ये सब समझ में आया, ये तो थोड़ा सा थ्योरी हो गया अनएक्टेड के रिपोर्ट से। अब जो बेसिक न्यूज़ है उसको डील कर लेते हैं। सिंगापुर हैज़ एमर्ज द टॉप इन्वेस्टर ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सिंगापुर टॉप इन्वेस्टर आया है, नियरली 29% है ऐसे, चलो ठीक है 1/3 मान लेते हैं, 1/3 ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, फॉलोड बाय यूएस। अब ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि यूएस हमेशा से टॉप पे नहीं था, सो देयरफॉर वी आर सीइंग दैट विद द चेंज इन ग्लोबल ऑर्डर यूएस का इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रहा है। यूएस अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ द FDI वाइल मॉरिशियस वेयर 9% ऑफ कैपिटल इनफ्लो ओरिजिनेटेड। तो अब जनरली ऐसा होता था इंडिया में, सिंगापुर 1 पे होता था, मॉरिशियस 2 पे, और दिस वॉज इंटरचेंजेबल। ठीक है, बट यूएस वॉज नॉट सच अ बिग इन्वेस्टर, नीदरलैंड वॉज। बट इस बार हम क्या देख रहे हैं कि यूएस हैज बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टर। तो देर फॉर अब इस तरह से समझो कि यूएस इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज इट वॉन्ट्स टू मेक इंडिया स्ट्रॉगर। सो देर फॉर वी आर सींग दैट यूएस अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ FDI। FDI इक्विटी फ्लोज फ्रॉम यूएस ट्रिपल्ड ड्यूरिंग द ईयर कंपेयर टू 2019-20। ठीक है, 2019-20 के कंपैरिजन में यूएस से 3 टाइम्स ज्यादा FDI आए हैं 2020-2021 में। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज वी सॉ ऑल दोस जियोज इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल लास्ट ईयर, तो इसीलिए देर इज अ 3 टाइम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वाइल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूके सर्ज 44%, और यूके का जो सर्ज है वो 44% है, मतलब अगर पहले यूके 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था तो वो अब 140 रुपये, 144 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, 144। एंड यूएस के केस में कितना हुआ है, इट हैज़ बीन ट्रिपल्ड। ठीक है, द शार्पेस्ट ग्रोथ अमॉन्ग 10 टॉप 10 FDI ओरिजिनेटिंग कंट्रीज वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मतलब जो इंडिया के टॉप 10 कंट्रीज हैं इंडिया में जिनसे इन्वेस्टमेंट आता है उसमें सबसे बड़ा ग्रोथ सऊदी अरेबिया ने रिकॉर्ड किया है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑयल रिच नेशन जंप फ्रॉम मियर 90 मिलियन डॉलर्स टू 2.8 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो जो ऑयल रिच नेशन है सऊदी अरेबिया उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 90 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, से जंप करके 2.8 बिलियन डॉलर्स में जंप किया है। सो दिस दी हाईएस्ट जज मतलब रैंकिंग में इंप्रूवमेंट फ्रॉम अ कंट्री टूवर्ड्स इंडिया। इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला सऊदी अरेबिया इज दी हाईएस्ट जंप। ठीक है, शार्पेस्ट ग्रोथ। टॉप FDI डेस्टिनेशन इंडिया में क्या था, तो गुजरात टॉप्ड एज द FDI डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल ईयर 21, 37% FDI इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी, एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र विच गॉट 27%। तो गुजरात में 37% और महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटका में अनदर 13%। तो गुजरात में 37%, जस्ट अ मोमेंट, या गुजरात में 37%, महाराष्ट्र में 27% एंड कर्नाटका में 13%। ठीक है, तो इतना सारा जो FDI है वो तो सारे इन्हीं कंट्रीज में फ्लो कर गया। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे 7 कैरी 1।
ठीक है, 17 कैरी, 1, 2, 2, 4, 3, 7, और बाकी 23% ही बाकी कंट्री में फ्लो किया है. तो यू कैन सी दैट ओनली 23% ऑफ द रेस्ट फॉरेन इक्विटी कैपिटल गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री, लेकिन ये जो 37, 27 और 13% है, इट गॉट डिवाइडेड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एमर्ज्ड एज टॉप सेक्टर ड्यूरिंग 2021, 44% शेयर ऑफ द टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो बाय कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज एंड सर्विस सेक्टर ऑफ 8%. सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो किसमें आया, 44% आया एफडीआई, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इस सेक्टर में. देन वी हैड एफडीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन बाय 13% और सर्विस सेक्टर में 8%. ठीक है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई आया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेक्शन में, फिर आया एफडीआई हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 13%, एंड देन वी हैड इट इन द सर्विस सेक्टर. एज मच एज 94% ऑफ इक्विटी एफडीआई इन गुजरात वॉज राउटेड इन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर. गुजरात का जो 94% इक्विटी एफडीआई मतलब हिस्सेदारी वाली एफडीआई आई, उसे किसमें इन्वेस्ट किया गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में, विद द स्टेट्स अकाउंटिंग फॉर 78% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर. तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि गुजरात में, ठीक है, तो ऐसे समझो गुजरात में 94% एफडीआई जो आई है वो सॉफ्टवेयर सेक्टर में आई है, और ये कंट्री का 78% है. ठीक है, तो ये कंट्री का 78% है, गुजरात इटसेल्फ का ये 94% है. कर्नाटका में एफडीआई 9% आई इन इक्विटी इन दिस सेक्टर वॉज फॉलोड बाय दिल्ली एट 5%. 9% आई है सॉफ्टवेयर सेक्टर में एंड दिल्ली में 5% आई है सॉफ्टवेयर सेक्टर. ठीक है, इन 2019-2020 इंडिया रिसीव्ड 74.39 बिलियन इन एफडीआई. ठीक है, तो 74.39 बिलियन पिछले बार एफडीआई में आया था, विद ऑलमोस्ट 50 बिलियन कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी. तो पिछले बार 50 बिलियन डॉलर्स इक्विटी के फॉर्म में आए थे, इस बार 60 बिलियन डॉलर्स इक्विटी के फॉर्म में आए हैं. पिछले बार 74.39 इन्वेस्टमेंट था, इस बार 81 है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रबर गुड्स रिटेल इंडस्ट्री डक फार्मास्यूटिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैव रिकॉर्डेड मोर देन 100% जंप इन इक्विटी ड्यूरिंग 2022. तो ये सारे सेक्टर्स में 100% से ज़्यादा जंप आया है इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, इसका एक रीज़न और है, हमारे जो PLI स्कीम स्टार्ट की थी, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, और इस साल FDI और ज़्यादा आएगा. अब देखो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि इंडिया की रैंकिंग ओवरऑल FDI होस्ट कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी. प्लस वी आर सीइंग फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हियर, US का जो अब FDI है वो इंडिया की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, देयरफॉर वी विल बी सीइंग गुड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बूम इन इंडिया वंस द सेकंड वेव ऑफ COVID-19 इज ओवर. एंड अदर देन दैट, गुजरात, महाराष्ट्र, दैट इज दी स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स आर अगेन परफॉर्मिंग वेल इन FDI कंपेयर टू ईस्टर्न स्टेट्स. तो ईस्टर्न स्टेट्स को काम करना चाहिए ताकि दे कैन अट्रैक्ट FDI इन देयर डोमेन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, दीज आर स्टेट्स रिच इन रिसोर्स, लेबर, कैपिटल. तो इन्हें भी काम करना चाहिए हाउ दे कैन अट्रैक्ट FDI इनटू देयर सेक्टर. तो आई थिंक इतना क्लियर है आज के लिए फ्रेंड्स. अगर कोई भी डाउट है तो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, डू रेट रिव्यू एंड रिकमेंड द चैनल, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डू टेल मी. थैंक यू.